नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक ट्यूब के इस अंक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे MI के रिसेंटली लॉन्च्ड स्मार्टफोन MI Note 10 और अपकमिंग स्मार्टफोन MI Note 10 Pro के बारे में, और जानेंगे कि कौन सा मॉडल है आपके लिए परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी MI ने अपने दो नए स्मार्टफोन MI Note 10 और MI Note 8T ग्लोबल मार्केट में रिलीज कर दिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे MI Note 10 और इसके प्रो वर्जन के बारे में। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक छोटा सा अंतर है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप यह तो जानते ही हैं कि MI Note 10 सीरीज आपके लिए लेकर आई है 108 मेगापिक्सल पेंटा कैमरा, पर इसके अलावा और क्या क्या खूबियाँ हैं स्मार्टफोन में, तो शुरुआत करते हैं इसके लुक्स एवं डिजाइन से। यह एक बेहद प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन है और इसकी 3D राउंडेड स्क्रीन इसे एक बढ़िया लुक देती है। बात करें इसके फ्रंट की, तो यहाँ आपको मिलती है 6.47 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसका स्क्रीन रिजोल्यूशन है 1080p का। 6.47 इंच की स्क्रीन के साथ इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 87.8%, जिसकी पिक्सल डेंसिटी 398 PPI है। यह स्मार्टफोन आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर्स के साथ मिलता है। इसकी स्क्रीन पर आपको मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, साथ ही सामने की तरफ आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिससे आप काफ़ी बेहतरीन सेल्फी का आनंद ले सकते हैं। इस फ्रंट कैमरा की मदद से आप 1080p या 720p में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से रिकॉर्ड होगा, जिसका सीधा सा अर्थ है कि इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा से आपकी सेल्फी और वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस शानदार होने वाला है। इस फोन की बैक साइड जो कि ग्लास बॉडी के साथ है, इसमें MI आपको देता है पेंटा कैमरा सेटअप, जिसमें 108 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जिससे आप वाइड एंगल शॉट्स आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। MI ने इस स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो शूटिंग कैमरा भी इनबिल्ट किया हुआ है, जिससे आपके क्लोज डिस्टेंस मैक्रो शॉट्स काफ़ी शानदार हो जाते हैं। यह पेंटा कैमरा सेटअप ड्यूल LED फ्लैश के साथ आता है, जिससे आपकी लो लाइट शूटिंग भी काफ़ी ब्राइट होगी। इस स्मार्टफोन की लेफ्ट साइड में पूरी तरह से खाली है, इसमें कोई भी फिजिकल की नहीं दी गई है। बात करें राइट साइड की, तो यहाँ पर आपको दिया जाता है वॉल्यूम रॉकर की, जिससे आप आसानी से फ़ोन के वॉल्यूम लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। राइट साइड में ही नीचे की तरफ जाने पर आपको मिलता है एक सिम स्लॉट, जिसमें आप लगा सकते हैं ड्यूल नैनो सिम। आपको बता दूं कि यह फ़ोन एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड को सपोर्ट नहीं करता है, तो सिम स्लॉट के हाइब्रिड होने का तो सवाल ही नहीं है। फ़ोन की टॉप साइड में आपको दिखाई देता है एक छोटा सा होल, जो कि ऑब्वियसली नॉइस कैंसिलेशन माइक है, और एक IR ब्लास्टर, जिससे आप कर सकते हैं कंट्रोल किसी भी इंफ्रारेड बेस्ड रिमोट ऑपरेटिंग गैजेट को। इसकी बॉटम साइड में आपको मिलता है एक माइक और स्पीकर के साथ 3.5mm हेडफोन जैक। बॉटम साइड में ही आपको दिया जाता है एक USB टाइप सी पोर्ट। यह फ़ोन सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को। इस फोन का सबसे एक्साइटिंग फीचर है इसकी 5260mAh की इनबिल्ट लिथियम पॉलीमर बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए दिया गया है 30 वॉट का फास्ट चार्जर, साथ ही एक USB टाइप सी 2.0 चार्जिंग केबल। इस फोन का USB पोर्ट USB चार्जिंग के साथ USB थिएटरिंग और USB ऑन द गो को भी सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है कि अगर आप अपने फ़ोन से PC में इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो आप USB थिएटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। USB थिएटरिंग की मदद से कैसे आप अपने मोबाइल डेटा से PC पर इंटरनेट चला सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं इस संबंध में एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। USB ऑन द गो की मदद से आप अपनी पेन ड्राइव को डायरेक्टली फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको USB ऑन द गो केबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं इस फ़ोन के नेटवर्क की, तो इस फ़ोन में आपको दिया गया है एक ड्यूल सिम स्लॉट, जिस पर आप 2 नैनो सिम कार्ड लगा सकते हैं। यह फ़ोन 3G 4G के साथ में वॉल्टी को भी सपोर्ट करता है। कंपनी ने इस फ़ोन को 3 कलर वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है, जहां आपको मिल जाते हैं मिडनाइट ब्लैक, ग्लेशियर वाइट
और ऑरा ग्रीन कलर। मुझे पर्सनली ऑरा ग्रीन कलर बहुत पसंद आ रहा है। आपको कौन सा कलर पसंद है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बात करते हैं इस फ़ोन की मेमोरी की, तो MI Note 10 आता है 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ। MI Note 10 Pro आपको मिलेगा 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। यही वो एक चेंज है जो इन दोनों मॉडल को अलग करता है। इसके अलावा लगभग सभी कुछ दोनों फ़ोन्स में सेम ही है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये फ़ोन मेमोरी कार्ड को सपोर्ट नहीं करता है। बात करें इसके चिपसेट की, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिलेगा क्वालकम स्नैपड्रैगन 730G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसमें 2 कोर 2.2GHz के क्रायो 470 गोल्ड और 6 कोर 1.8GHz के क्रायो 470 सिल्वर के हैं। ओवरऑल प्रोसेसर स्पीड 2.2GHz की मिलेगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि अलग अलग स्पीड के कोर का इस्तेमाल फ़ोन की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए किया जाता है, जिसमें हाई स्पीड के कोर आपकी करंट रनिंग ऐप को रन कराते हैं और लो स्पीड कोर आपकी मिनिमाइज्ड ऐप्स की लास्ट एक्टिविटी को याद रखकर प्रोसेस करने का काम करती हैं। इससे जब आप ऐप्स में बार बार स्विचिंग करते हैं तो ऐप्स ज़्यादा समय नहीं लेती और तुरंत ओपन हो जाती हैं, जिससे फ़ोन की स्पीड बढ़ती है। इस चिपसेट में आपको एड्रेनो 618 का GPU मिलता है, जिसमें आप हाई क्वालिटी लैग फ्री गेमिंग का मजा ले सकते हैं। फिलहाल इस फ़ोन में MIUI 11 के साथ एंड्रॉयड 9 5 वर्जन दिया जा रहा है, पर जल्द ही इसमें एंड्रॉयड 10 का अपडेट भी दिया जाएगा। बात करते हैं फ़ोन में मौजूद सेंसर्स की, तो सबसे पहले आता है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इस फ़ोन में हमें मिलता है एक ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि काफ़ी फास्ट है। इसी के साथ हमें इस फ़ोन में मिल जाता है एक फेस अनलॉक सेंसर, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं आपकी फेस आईडी के थ्रू भी। इन दोनों सिक्योरिटी सेंसर्स के साथ आपको मिलता है एक्सेलेरोमीटर सेंसर, गायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी एम्बेंट लाइट सेंसर और कंपास सेंसर। जहाँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है आपके एनवायरनमेंट के आसपास की लाइट को डिटेक्ट करने का, और गायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर सेंसर यूज़ होते हैं हमारे गेमिंग के पर्पज़ में, जिसमें हम मोबाइल को लेफ्ट राइट टिल्ट कराकर गेम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करते हैं। इसी के साथ हमें इस फ़ोन में कंपास सेंसर भी इनबिल्ट मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा टूल है। इस फ़ोन में एडवांस GPS दिया गया है, जो कि ग्लोनासिस, गैलीलियो और BDS फंक्शंस के साथ अवेलेबल है। साथ ही जैसा कि हर फ़ोन में पाया जाता है एक वाईफाई सेंसर, वह भी दिया गया है। इसमें आपको बता दूं कि कई सारे फ़ोन ऐसे आते हैं मार्केट में जिसमें वाईफाई तो दिया जाता है परंतु उनमें हॉटस्पॉट ऑन नहीं होता, पर इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस फ़ोन के वाईफाई सेंसर में आप हॉटस्पॉट इनेबल कर सकते हैं। इसमें दिया गया ब्लूटूथ सेंसर वर्जन 5.0 पर काम करता है। इसी के साथ इसमें NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन डिवाइस भी इनबिल्ट किया गया है, जिससे आप गूगल पे के थ्रू NFC पेमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि हम वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि इस फ़ोन में IR ब्लास्टर भी दिया गया है, वो भी एक सेंसर ही है जो कि इंफ्रारेड रेज़ पे काम करता है। बात करें इस फ़ोन के प्राइस की, MI ने अपने MI Note 10 मॉडल की प्राइस 37,909 रुपये रखी है और MI Note 10 Pro के लिए लगभग 49,990 रुपीज़। टेक्ट्यूब के आंकड़ों के अनुसार MI Note 10 की प्राइस तो लगभग ठीक है, परंतु MI Note 10 Pro में किए जाने वाले छोटे से चेंजेस के लिए ये प्राइस कुछ ज़्यादा ही है। पर फिलहाल MI Note 10 Pro अभी इंडियन स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, तो हमें इंतज़ार करना होगा इसकी एक्चुअल प्राइस जानने के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और किसी भी सवाल या सुझाव के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। भविष्य में इसी प्रकार के अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।